इति वेद वदंती न दंत कथा। रामचरित्र मानस कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि गोस्वामी जी ने लिख दी एक राम थे एक रावण थे, राम रावण का वध किया तो काम हो गया, नहीं। रामचरित्र मानस कोई साधारण, इति वेद वदंती न दंत कथा, इसका वेदों ने भी गायन किया। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम मद सब ही की, आरती श्री राम। सब वेदों का रस है राम है। इति वेद वदंती न दंत कथा, वेदों ने भी गाया, पुराणों ने भी गाया, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी रामचरितमानस को गाया। राम कथा वृथा मिटाती है, जीवन की वृथा से बचना है ना, वृथा यानी संकट, जिंदगी की झंझटें उलझने, इनसे बचना है मेरे पागलो तो राम कथा सुनो, गाओ, केवल सुनो नहीं पढ़ो, गढ़ो, बढ़ो। केवल सुनो मत, पढ़ो भी, गढ़ो भी और बढ़ो भी। जीवन को सुधारना है तो रामायण को पढ़ना है और राम को गढ़ना है। बहुत प्यारा सूत्र है, जीवन को सुधारना हो तो रामायण को पढ़ना और राम को जीवन में गढ़ना। आपका जीवन बहुत प्यारा होगा मेरे साधु, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। देखो एक बात बोले, आदौ राम तपो बनादि गमनम हित्ता मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वालीन ग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धिमद रामायण। आहा, रामायण कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक अक्षर में कोई हमसे पूछे छोटी सी बात में, महाराज जी रामायण क्या है? एक राम हते एक रावणना, एक क्षत्रिय हते एक बम्मन्ना, बाने बाकी नार चुराई सो उन दोन की भई लड़ाई, राम ने मारो रावणना सो तुलसिया लिख गए पोथन्ना। रामायण से रामचरितमानस तो इतनी छोटी है, लेकिन भैया रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है, एक एक चौपाई का आश्रय लेता है। सरकार की योजनाएं भारत में जहां जहां नहीं पहुंच पाई होंगी, लाइट पानी सड़कें नहीं पहुंच पाई, वहां हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पहुंच गई है। कोई ऐसा हिंदू होगा जिसे, कोई ऐसा बिरला एकाध हिंदू होगा खबर नहीं हमें, वरना कोई ऐसा सनातनी नहीं है जिसे रामचरितमानस की एक चौपाई याद ना हो। और कुछ हो ना हो, एक चौपाई तो सब गाते हैं, मंगल भावन मंगल चौपाई जरूर याद होगी सबको, प्रभा से नगर की जे सब काजा, इन्हे राख को सर कोर राजा। कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा या चाहे ये दो चौपाई ना भी याद हो, पर ये चौपाई तो सबको याद होगी। ओ कबन सुकार गठिन जग माही, कवन सुकाज भैया कठिन जग माही, जो नहीं हो रात तुम आई, जो नहीं हो रात तुम आई, जो नहीं हो रात तुम आई। रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है जो जीवन का सार बता देता है, जो राघव से मिला देता है, जो जिंदगी बना देता है। ये कोई
पुस्तक नहीं है, आहा साक्षात राम जी का ही रूप रामचरितमानस है। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाही, जो चाह सो बुझिया। अंधेरा बचा हो अंदर भी और बाहर भी, मकान में दीपक एक हो, कमरे के अंदर भी अंधेरा है और बाहर भी अंधेरा है, अब बताओ उस अंधेरे को मिटाना हो तो दीपक एक है। अगर अंदर रखेंगे तो बाहर उजाला नहीं होगा, बाहर रखेंगे तो अंदर। अब ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि दोनों में उजाला हो जाए? तो संत महात्मा बोले, भैया दरवाजे की देहरी पर रख दो, अंदर भी उजाला हो जाएगा बाहर भी उजाला हो जाएगा। उसी प्रकार बाहर भी एक संसार है और भीतर भी एक संसार है, मन ये भी एक जगत है, बाहर वाला भी जगत है, अंदर भी अज्ञान का अंधेरा और बाहर भी अज्ञान का अंधेरा। बोले दोनों जगह के अंधकार को मिटाना है तो क्या किया जाए? तुलसी भीतर बाहर हो, भीतर बाहर दोनों जगह अगर उजाला चाहते हो तो एक काम करो, राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। अपनी मुख की जिभा पर राम नाम रूपी दीपक जलाओ, जहां भी जाओ सीता राम सीता राम सीता राम गाओ, सीता राम सीता राम सीता राम। दीपक अपनी मुख की देहरी पर रखिए, क्या होगा? भीतर भी उजाला हो जाएगा, बाहर भी उजाला हो जाएगा। बाहर कहां? घर में। आप बार बार सीताराम कहोगे तो घर की लुगाई के कान में भी सीताराम पड़ेगा ना, बच्चों के कान में भी सीताराम पड़ेगा, और कान में सीताराम पड़ गया सो बन गया काम, जिसने बोला एक बार सीताराम उसका भी बन गया काम।